नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आज महागठबंधन के तमाम विधायक जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए सीधे बिहार विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एम तमाम के जो विधायक हैं और जो एमएलसी हैं, जेडीयू के भी हों या आरजेडी के भी हों, सभी के घटक दल जो हैं वो हाथों में जो है काला पट्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो काला कपड़ा ही पहनकर यहाँ पर आ गए हैं और सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस की जो नेता राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसको लेकर देखिए सीपीआईएम के नेता है क्या कहिएगा। नहीं, आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने का आखिरी प्रयास बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये मोदी सरकार देश में बोलने के अधिकार को खत्म करना चाहती है, देश में आलोचना को खत्म करना चाहते हैं, देश में विरोध को खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए आज हम लोगों ने ये काला दिवस मनाया। चलिए बिल्कुल, देखिए ये सभी विधायक हैं, जेडीयू के हैं, आरजेडी के, सभी के जो सदस्य हैं बिहार विधानसभा के और बिहार विधान परिषद के, वे तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए बिहार विधानसभा के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बता दें आपको कि ये तमाम प्रदर्शन राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है, जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके लिए लगातार दो दिनों से इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। कल पूरे बिहार में सत्याग्रह किया गया और अब आज अजीत शर्मा भी हैं, काला कपड़ा है आज। बिल्कुल, विरोध का प्रतीक होता है काला कपड़ा, हम लोग काला कपड़ा पहने हैं, काला ये लगाए हुए, सब लोग लगाए हुए, पूरे महागठबंधन के सभी विधायक, सभी विधान पार्षद सदस्य निश्चित तौर पर सदस्यता गई है। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन में भी करेंगे, जब तक वापस नहीं होगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। काला कपड़ा पर बदले, काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है। मामला तो ये कोर्ट का था, कोई कोर्ट का मामला नहीं, सदन से निष्कासित करना कोर्ट का मामला नहीं है। कोर्ट पर हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, यह तानाशाही है, नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, हिटलर शाही राज लाना चाहते हैं, होने नहीं देंगे। हम लोग जनता के हित में, गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो उसी की आवाज है और उसको आप दबाना चाहते हैं, सदन में आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक वापस नहीं होगा विरोध करते रहे। चलिए, महिला विधायक काली साड़ी में है, काली साड़ी लोकतंत्र की हत्या हो गई है और वैसे व्यक्ति की तरह द्वारा जो देश के साथ हमेशा झूठ बोला है और एक और झूठ उन्होंने बोला है कि राहुल ने मानहानि करके लोगों का अपमान किया। काला पट्टी क्यों है? क्योंकि देश को हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, बाबा भीमराव को जो दिया हुआ संविधान को खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सारे महागठबंधन के विधायक हैं, मेरे से सारे लोग गुलबंद हो गए हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे 24 पे। ये तो कोर्ट का मामला है ना? देखिए, कोर्ट का मामला है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह लोकतंत्र की हत्या अच्छी बात नहीं है। हम लोग कांग्रेस के समर्थन में है, विरोध मार्च चल रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के तमाम महिला विधायक थी। आपने सुना है किस तरीके से तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े स्पोनिशन के साथ नमस्कार।